फाइनली हम जिस पुल पे अभी चढ़ रहे हैं, जिस फ्लाईओवर पे चढ़ रहे हैं, इस फ्लाईओवर का नाम है लोहिया पथचक्र। हेलो भाई, छोटों को सलाम, बड़ों को प्रणाम। एक बार फिर से आपका दोस्त अतुल हाजिर है आपके साथ। तो आज का अपडेट ये है कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि लोहिया पथ चक्र का अपडेट दीजिए। तो आपको आप बता दें कि लोहिया पथ चक्र जो है वो बेली रोड में बन रहा है, हड़ताली मोड़ के थोड़ा सा आगे बीपीएससी ऑफिस जो है वहाँ पर एक लोहिया पथ चक्र नाम का फ्लाई ओवर बनाया जा रहा है जिसका नाम है लोहिया पथ चक्र। तो आज हम उसी का अपडेट देने जा रहे हैं और समय हो रहा है सुबह के 6:30। सुबह का 6:30 होने के बावजूद भी पता है बहुत भीड़ है, इसलिए उधर का वीडियो नहीं बना पाए। तो वीडियो स्टार्ट किया यहाँ से, तो आप मेरे लेफ्ट साइड देख सकते हैं, ये निफ्ट कॉलेज है। अगर आप इस फ्लाईओवर का वीडियो चाहते हैं तो ऊपर आई बटन आपको दिख जाएगा, आप इस फ्लाईओवर का भी करंट स्टेटस वाला वीडियो जाके आप देख सकते हैं। हाँ, तो काफ़ी दिनों के बाद एक और अपडेट की ओर निकले हैं और इसका कारण ये है कि जब मैं मनेर ट्रिप गया था, मतलब मनेर वाला ट्रिप, अगर आप नहीं देखे तो उसका वीडियो देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में दिख जाएगा आपको और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो मनेर ट्रिप से आने के बाद थोड़ा हो गया था तबीयत गड़बड़, इसलिए वीडियो नहीं ला पा रहे थे। और ये लेफ्ट साइड में कृषि भवन बिहार, इसका भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो ऊपर आई बटन और नीचे लिंक बॉक्स में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर भवन है ये, इसका वीडियो आप एक बार ज़रूर देखिए, मस्त सीनरी के साथ है एकदम। वो प्यारा सा सनराइज, एकदम ज़बरदस्त सा सनराइज हो रहा है। और ये अपना अंडर कंस्ट्रक्शन इस्कॉन टेंपल, कृष्ण जी का टेंपल है ये, इसका वीडियो भी आएगा ही, जल्द आएगा। आपके सामने दिख रहा होगा आर ब्लॉक दिख रहा है, 6 लेन रोड जो बन रहा है वो उसका ये फ्लाईओवर है, हड़ताली मोड़ के पास एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। तो ये है आर ब्लॉक से दिख रहा 6 लेन का रोड जो कि अभी बना नहीं है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये है, आप इसका भी वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में दिख जाएगा और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा साफ साफ। विश्व सरैया भवन आप राइट साइड में देखो, ये विश्व सरैया भवन है, सब गवर्नमेंट बिल्डिंग है। जब लोग पार हो ना तो आप रोक दो, ऐसे आप लोग समझते हैं कि यार पैदल है चलो निकाल दो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई पैदल गुजर रहा है भाई तो आप गाड़ी रोक दो, उसको गुजर जाने दो तब आप क्रॉस करो, बट ऐसा नहीं होता ना पटना में।
तो ये जो सामने आप पुल देख रहे हैं, फ्लाईओवर देख रहे हैं, इसी फ्लाईओवर का नाम है लोहिया पथ चक्र। तो फाइनली हम जिस पुल पे अभी चढ़ रहे हैं, जिस फ्लाईओवर पे चढ़ रहे हैं, इस फ्लाईओवर का नाम है लोहिया पथ चक्र। इसका साइड भी आपको हम दिखाएंगे, अभी नीचे उतर रहे हैं यहाँ से। वो देखिए वो सामने वाला जो व्यू आपको नज़र आ रहा होगा अगर आपको, तो बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। चिरैया तट पुल को जिस तरह से किया गया है ना, मतलब उसको केबल दे के, उस तरह से इसको भी केबल दे के ही हैंगिंग किया गया है शानदार लुक के लिए। तो किसी भाई जी ने बोला था कि भाई इसका अंडरग्राउंड वाला सेक्शन दिखाइए, तो भाई इसमें अंडरग्राउंड भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं लोहिया पथ चक्र, जो कि बेली रोड में है। आप देख सकते हैं ये रास्ता उधर जू की तरफ से आता है और सीधा डकवांगला की तरफ चला जाता है, और इसी के बीच में बीपीएससी भवन जो है, बीपीएससी ऑफिस जो है, वहाँ पे आपको लोहिया पथ चक्र नाम का एक फ्लाईओवर दिखेगा, जो कि बहुत ही प्यारा है देखने में। और इसका लुक जो है ना, वो चिरैया तट पुल से मिलता जुलता है, केबलिंग वाली लुक दी गई है। इधर की बात करें तो केबल तो कम, केबलिंग वाला काम तो कंप्लीट है, हैंगिंग वाला काम कंप्लीट है, बस ऊपर में कुछ वाला काम बचा हुआ है। अब उस साइड चल के देखते हैं कि कहां तक काम हुआ है। हाँ तो भाई यहां से लोहिया पथ चक्र की शुरुआत होती है, लोहिया पथ चक्र जो फ्लाईओवर उसकी होती है शुरुआत यहां से। और ये सेक्शन जो आप देख रही है अंडरग्राउंड वाला सेक्शन है। तो हम आगे इस वाले लेन में, जो लेन को अभी चालू नहीं किया गया है, सामने देखिए लेन अभी बंद है और प्यारा सा सनराइज भी आपको दिख रहा ही होगा। तो ये वाला लेन फिलहाल बंद है, इधर तो काम हो गया है रोड बोर्ड का, उस साइड काम अभी बचा हुआ है। तो इस साइड काम लगभग रोड का हो चुका है, अपना काम में लगा हुआ है सब। और वो सामने देखिए क्या लुक आता है भाई, ज़बरदस्त। जो सीन आप देख रहे हैं सामने सर्कुलर रोड है, और सर्कुलर रोड से आप बेली रोड की तरफ आएंगे, मतलब ये रोड आएगा, ये टनल जो है आप देख रहे हैं, ये अंडरग्राउंड टनल है, अंडरग्राउंड के माध्यम से ही आपको आना पड़ेगा। और बीपीएससी ऑफिस है, और फिर आपको उस रोड में जाना है, तो आपके सामने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको अगर आप इधर से आ रहे हैं और आपको इस रोड में जाना है, तो नीचे की तरफ से, अंडरग्राउंड की तरफ से आप जा सकते हैं। सामने आप रोड देखिए, एक रोड जाने का, एक रोड आने का है, पर फिलहाल अभी आने वाला तो बंद है और लोग जाने वाले से ही आ भी रहे हैं। तो जल्दी ये भी खोल दिया जाएगा, क्योंकि काम लगभग फाइनल टच पे है। तो ये है लोहिया पथ चक्र, जिस फ्लाईओवर का नाम है। इस फ्लाईओवर में एक ख़ास बात यह है कि अंडरग्राउंड भी है। फिलहाल मैं अंदर नहीं जा सका अंडरग्राउंड में, क्योंकि वर्क जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और लोग बोले कि अंदर आपको जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कुछ भी घटना हो सकता है कंस्ट्रक्शन वर्क में। तो ये आप सामने देख सकते हैं, ये लोहिया पथ चक्र है, हैंगिंग वाला पुल है, केबल से जो हैंगिंग होती है, चिड़िया टर पुल में आपको देखा ही होगा, तो उसी तरह का इसका भी लुक दिया गया है। इस तरफ दो पिलर और छः हैंगिंग के साथ, छः केबल के साथ, और इस तरफ भी दो, यानी जो फ्लाईओवर को है ना वो ऊपर उठाए हुए है, ये पिलर का काम जो था वो उठाए हुए होना होता है, और ये इसका उसको उठाए हुए है। बात की जाए इसके स्टेटस की, तो आप देख सकते हैं कि ऊपरी वाला हिस्सा का काम तो हो चुका है, बस अंडरग्राउंड वाले काम का थोड़ा हिस्सा, काम का हिस्सा भी थोड़ा बचा हुआ है, क्योंकि केबलिंग का काम, पिलरिंग का काम सब लगभग कंप्लीट है, बस अंडरग्राउंड सेक्शन की बात करें तो वो थोड़ा सा कुछ अभी बचा हुआ है। तो आप आएंगे बेली रोड की तरफ से, डगमाला की तरफ से, तो ये ललित भवन जहाँ पे आपको दिखेगा, वहाँ पे ये जो नव निर्मित अभी फ्लाईओवर है ये ख़त्म हो जाता है, और फिर ऊपर चढ़ने का प्लान है, मतलब इस पे जाने का प्लान है, पर ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसलिए लोगों को नीचे से भेजा जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी गाड़ियाँ नीचे से जा रही है, बाद में यहाँ से जो है वो ऊपर लोहिया पथ चक्र जिसका नाम है उस पे चढ़ जाएगा। तो फिलहाल अभी कंस्ट्रक्शन होने में बहुत टाइम है, साल के अंत तक तो होने का दावा किया जा रहा है,
अब देखिए कब होता है। और वो जो सेक्शन है वो अंडरग्राउंड वाला वहाँ पे है, राइट साइड में आप सर्कुलर रोड से आते हैं और आपको बेली रोड उधर जाना है बंगला की तरफ, तो आप पुल के नीचे से घुस के जा सकते हैं। अभी हम आपको दिखाने वाले यहाँ का अंडरग्राउंड सेक्शन, अंडरग्राउंड सेक्शन आपको दिखाते हैं। अभी ये नीचे आप देख सकते हैं, ये सब जो है ना इस पर गाड़ियाँ चलेंगी। अभी आपको इसका जाने का रास्ता भी दिखाते हैं। यहाँ से सीढ़ी बनाया गया ताकि आप फ्लाईओवर पे चढ़ सके अगर आप पैदल हैं तो। तो ये जो आप देख रहे हैं ये अभी बना नहीं है। ये देखिए इधर है, इधर सामने चला जाता है बेली रोड की तरफ, उधर डगबंगला की तरफ, हाईकोर्ट की तरफ। और ये रास्ता इधर जो है ये इसमें जाके मिल जाएगा सर्कुलर रोड में। तो अगर आप सर्कुलर रोड से आ रहे हैं और आपको इस तरफ जाना है डगबंगला की तरफ, तो आप इस टनल का प्रयोग कर सकते हैं और ये टनल से सीधा आप उधर चले जाएंगे। तो फ़िलहाल इस टनल में काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी काफ़ी काम बचा हुआ है इस टनल का। और यहाँ पे एक सीढ़ी भी बनाई गई है, इससे आप फ्लाईओवर पे चढ़ सकते हैं। और ये अंडरग्राउंड का सेक्शन है पूरा, इसमें गाड़ी नहीं चलेगी, बस ये टनल चलेगा। जो आप सर्कुलर रोड से आप आएंगे उधर से और आप सीधा इधर चले जाएंगे हाईकोर्ट की तरफ, बेली रोड डगबंगला की तरफ। आपको समझ में आई होप आ गया होगा, वो सर्कुलर रोड है सामने बीपीएससी ऑफिस के पास। आप इस सेक्शन से आएंगे और अगर आपको इधर जाना है तो आपको उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यू टर्न लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा जो है वो इधर जा सकते हैं हाईकोर्ट की तरफ सीधा टनल के अंदर अंदर। तो अगर आपको आज का अपडेट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।